भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे घोषित किया गया था। तो वो जो इवेंट है उससे हम भारत की कुंडली का निकालते हैं और उस समय जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है जिसमें राहु विराजित हैं और चंद्रमा शुक्र बुध शनि और सूर्य ये पंचग्रह योग भारत के कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। तीसरा भाव से हम स्पोर्ट्स को देखते हैं और छठे भाव से उसके कंपटीशन को देखते हैं। इस समय जो भारत की गोचर भी चल रहा है गोचर से भी कहीं ना कहीं शनि जो हैं जो योग कारक होते हैं वो दशम भाव से यानी कि भारत की मान पद प्रतिष्ठा के भाव से गोचर कर रहे हैं। और जिस समय ये वर्ल्ड कप होगा 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में उस समय चंद्रमा जो हैं मकर राशि यानी कि भारत के जो भाग्य स्थान है उससे गोचर करते हुए देखे जाएंगे और राहु जो हैं वो भारत के लाभ भाव से गोचर करेंगे। चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा ज्योतिष की गणना के आधार पर 90% पूरे हमको चांसेस हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है भारत जीतने वाला है क्योंकि खेल की दृष्टि से भारत इस समय हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है और विशेष रूप से जो गोचर भी हमारे पास 19 नवंबर का आ रहा है तो भारत की सफलता जो है 90% एश्योरिटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि भारत ये वर्ल्ड कप अपने घर लेके आने वाला है। क्रिकेट जगत में अगर कोई समय सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेयर हैं तो विराट कोहली हैं जिनका जन्म 5 नवंबर 1988 सुबह 10:28 दिल्ली में हुआ था। इस आधार पे उनकी कुंडली धनु लगन की बनती है और लगन में शनि विराजित हैं वहीं उनकी जो चंद्र राशि है वो उनकी कन्या राशि बनती है। दशम भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति है और राहु जो हैं जिनकी उनकी महादशा चल रही है वो उनके तृतीय भाव जहाँ पे आपकी एक तरीके से फाइटिंग स्पिरिट देखी जाती है और खेलकूद का भी यही भाव होता है तृतीय भाव से हम देख रहे हैं। चंद्रमा उत्तर फागुनी नक्षत्र राहु अपने ही षटभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पूर्ण रूप से राहु में शुक्र की अंतरदशा जो दशम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और शनि जो लगन में बैठे हैं मैं समझती हूँ इस समय विराट कोहली अपने सचिन के जो टारगेट को अचीव करने के बहुत नज़दीक हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार वो सचिन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट है उनसे आगे जाने के भी योग बहुत प्रबल बने हुए। भारत की टीम के जो वर्तमान के कैप्टन हैं रोहित शर्मा जिनका जन्म 29 अप्रैल 1987 को अगर आप अंक ज्योतिष से आप ऐड ऑन करेंगे तो 7 अंक बनता है। वहीं 2023 को भी अगर आप ऐड करेंगे तो 7 अंक बनता है। केतु का अंक है ध्वज लहराने का अंक है और जब जब आपके जन्म साल का अंक और साल का अंक एक हो जाता है तो बहुत ही निर्णायक और उपलब्धियों वाला वर्ष होता है। निश्चय रूप से इस बार जो रोहित शर्मा है उनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा प्रबल योग बना के बैठी हुई है। उच्च के शुक्र और गुरु की युति है उनके भाग्य भाव में कर्क लगन की उनकी कुंडली है। सूर्य उनके उच्च के हैं चंद्रमा और बुध के साथ बैठे हैं बुधादित्य योग बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही सुंदर कुंडली है और रोहित शर्मा इस बार बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करने वाले हैं और उनके नेतृत्व में टीम इंडिया निश्चय रूप से वर्ल्ड कप आगे लेके जाएगी। इसके साथ साथ दो और प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। हार्दिक पांड्या का भी जो परफॉर्मेंस अब बहुत अच्छी रहेगी वहीं जो इंग्लैंड के हमारे कैप्टन हैं जोस बटलर वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखे जाएंगे और भारत को कड़ी टक्कर देते हुए इंग्लैंड इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इस बार सेमीफाइनल्स के बाद जो वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए अग्रसर होती हुई टीमें ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रही हैं वो मेरे को 2 नहीं 3 दिख रही हैं। हालांकि होंगी 2 लेकिन क्योंकि ज्योतिष परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और निश्चित रूप से भारत इस बार फाइनल में लड़ने वाला है और जीतने वाला है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया को जो 2 टीम्स के साथ सावधान रहना है वो है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। बहुत कड़ी टक्कर देने वाली हैं दोनों टीम्स। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। साथ साथ में न्यूजीलैंड को हम अदरवाइज अगर हम देखें तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी लेकिन उनके जो कैप्टन है केन विलियमसन
वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं एक दो मैचेस में वो उनको कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन ओवरऑल जो दो मेन टीम है जिससे इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सटीक रखना है, बहुत दुरुस्त रखना है, वो हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। किसी भी पुरुष के जीवन में पत्नी को लक्ष्मी का कारक माना जाता है, भाग्य का कारक माना जाता है, और आप देखेंगे कि बहुत से पुरुष जब विवाह करते हैं उसके बाद उनकी किस्मत एक तरीके से चमक जाती है। तो निश्चय रूप से पत्नी कोई भी हो आपके भाग्य में आपका साथ देती हैं और भाग्य को बढ़ाती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो दो प्लेयर्स हैं जिनकी पत्नियों के योग बहुत स्ट्रॉन्ग उनको सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, वह रोहित शर्मा की पत्नी रितिका और वहीं हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा, जिनके किस्मत के प्रभाव से ये दोनों ही प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि विराट कोहली भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन रोहित शर्मा इस समय बहुत अच्छे से स्टैंड आउट होते हुए देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं इस समय उनके लिए बहुत निर्णायक साल ये रहने वाला है जिसमें उनकी उपलब्धियाँ अपने चरम पर होंगी। 19 नवंबर को खेलने वाला वर्ल्ड कप का फाइनल जो है उस दिन शनि का गोचर अपनी राशि से होने वाला है, और जिस समय दोपहर को 2 बजे ये मैच प्रारंभ होगा उस समय जो ईस्टर्न होराइजन में राशि उदय हो रही होगी वो भी कुंभ राशि हो रही होगी, और कुंभ राशि भारत की राशि से जो है बहुत ही योगकारक राशि मानी जाती है भारत की कुंडली से। वहीं अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी कुंडली में भी शनि जो हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपकी एक एक्नॉलेजमेंट दिखाता है, आपके क्षेत्र में आपकी पहचान को दिखाता है, अचीवमेंट्स को दिखाता है। वहीं जिस समय ये गोचर हो रहा होगा 19 नवंबर को राहु दूसरे भाव में होंगे, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि दशम भाव जहाँ पे मान पद प्रतिष्ठा पूरी एक प्रकार से इन टीम्स की परफॉर्मेंस का आउटकम दिखता है, वहाँ पे मंगल ने रूचक नामक पंच महापुरुष योग वृश्चिक राशि में बैठ के बनाया हुआ है। सूर्य और बुध का आदित्य योग भी दशम भाव में बन रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। 90% 100% हम बोल नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं संभावनाओं की भी बात होती है, लेकिन अगर मैं ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बोलूं, चाहे वो 19 नवंबर का चार्ट हो, चाहे वो रोहित शर्मा की व्यक्तिगत कुंडली ग्रह दशा हो, या वो भारत की कुंडली हो, भारत इस समय वर्ल्ड कप 3री बार अपने नाम करने वाला है।